मेन शर्ट्स, मेन सूट्स, लेडीज़ वेयर में हम लोग नहीं है, स्वेटर्स में हम लोग नहीं है। मैं सही मानों में खुश हूँगा जब हमारा एक्सपोर्ट्स है ना वो 15% इजाफा हो। लुक अफ्रीका हम लोग बनाए, लुक अफ्रीका पॉलिसी, वहाँ हम लोग सब गए। अनफॉर्चुनेटली उसके फौरन बाद कोविड हो गया, तो अभी कोई वहाँ तो कोई जाता नहीं है अफ्रीका। उज़्बेक ट्रक्स, अफगान ट्रक्स कैन कम इन टू पाकिस्तान, उनको जाना है या बिन कासम, वहाँ तक भी जा सकते हैं, जहाँ भी इनको जाना है। तो ये एक किस्म का फ्री मूवमेंट हो जाएगा ना। द मेन वीकनेस मैं समझता हूँ ए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई दफ़ा ये उन्होंने बताया है कि महंगा है। यू टुक दिस ऑफिस बैक इन 18 और 19, तो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे कि 2021 में पाकिस्तान का कॉमर्स ट्रेड कहाँ पे होगा, जो कि कोविड की वजह से वहाँ नहीं पहुँच सका? व्हाट वाज दैट टारगेट? कोविड ना होता तो मैं समझता हूँ कि पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होते। मैं क्यों मैं बताता हूँ कि यह कोविड से चंद महीने पहले हमारा जो इजाफा था ना एक्सपोर्ट्स में, वो 14% 15%, जैसे ही कोविड आया वो गिर गया, वो नेगेटिव में चले गया। और फिर पिछले साल जुलाई के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आस्ते 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 वो पिकअप कर लिया, और इस वक्त है कि हमारे एक्सपोर्ट्स का इजाफा हुआ है 7%। कोविड ना होता तो हम लोग 15-20% के दरमियान में होते। और ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें क्यों नहीं नज़र आ रहा? पहली बात है कि हमें सब वक्त लगता है, और इस वक्त मैं फैसलाबाद के लोगों को पूछता हूँ और सियालकोट के, और उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ लेबर की शॉर्टेज हो गई है। तो अभी ना अभी वो अभी मैं पूछा कि वो तो नहीं, अभी भी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, जॉब्स मिलेंगे, आस्ते आस्ते ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा ना कि रोज़ी पिक्चर है, रोज़ी पिक्चर है कि क्या हम लोगों ने क्या बुरी हालात में फंस जाते, जैसे अभी इंडिया फंस गया है, हम लोग तो इस किस्म के हालात में नहीं है। लेकिन ये हम लोग हमारा फुल पोटेंशियल को रीच कर लिए कि नहीं किए, अभी तो काफ़ी काम बाकी है। और इंशाल्लाह इस बजट में जो इस साल जून में होगा, हम लोगों ने जो पिछले 2 साल किया उसको और मज़ीद करेंगे और मज़ीद इंसेंटिव देंगे। मुझे जो सबसे वरी ये है कि यूरोप और अमेरिका में कोविड के वजह से या लॉकडाउन रहे तो फिर अफेक्ट तो करेगा ना हमें, ये मसला यही है। तो वो जो आप फुल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वो कहाँ तक हम पहुँचेंगे, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैं सही मानों में खुश हूँगा जब हमारा एक्सपोर्ट्स है ना वो 15% इजाफा हो, दैन फिर मैं समझता हूँ कि यह हाँ नाउ अब से 15%, यस यही मेरी टारगेट है, अल्लाह ख्वाहिश है, अल्लाह करे कि ये हो जाए। एक और पाकिस्तान में जो हमारी कमी है वो ये है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स का जो प्रोडक्ट रेंज है ना वो बहुत कम है। मिसाल के तौर पर एक सेक्टर को ले लें, टेक्सटाइल्स में कई मेन शर्ट्स, मेन सूट्स, लेडीज़ वेयर में हम लोग नहीं है, स्वेटर्स में हम लोग नहीं है, हम लोग सिर्फ बेडवेयर में है, टी शर्ट्स में है, ये वो उसमें। तो एक तो ये, दूसरी बात ये है कि हमारा एक्सपोर्ट क्या है, टेक्सटाइल्स, राइस, लेदर, कारपेट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हमारे पास बहुत सारे और इंडस्ट्रीज है, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, फिशरी, फूड प्रोसेसिंग एंड आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल,
उसके ऊपर अभी हम लोग तवज्जो देना है। तो ये जो बजट में है हम लोगों ने इंसेंटिव्स देंगे वो ज़्यादा उस सेक्टर में देंगे, नॉन ट्रेडिशनल में देंगे। तो रजाक साहब आप क्या कोई नई मार्केट्स में एक्सप्लोर कर रहे हैं? पहले हम लोग ने सोचे कि लुक अफ्रीका, हम लोग बनाए लुक अफ्रीका पॉलिसी, वहाँ हम लोग सब गए। अनफॉर्चुनेटली उसके फौरन बाद कोविड हो गया तो अभी कोई वहाँ तो कोई जाता नहीं है अफ्रीका। उसके अलावा जो हम लोग अभी तवज्जो दे रहे वो अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, और वहाँ अफगानिस्तान में यह दो चीज़ें, दो एग्रीमेंट्स करना है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड का और एक पीटीए, और उज़्बेकिस्तान में भी एग्जैक्टली ये करना है। हमारा जो ये एग्रीमेंट्स हो जाए दोनों के साथ तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरी हमारी जो ट्रेड की सिस्टम खुल जाएगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से सारा एशियन रिपब्लिक्स, तो एक वो तो बहुत बड़ी मार्केट है। तो हमें क्या क्या करना है? फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रक्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक पाकिस्तानी ट्रक यहीं से चले अफगानिस्तान से इनटू उज़्बेकिस्तान, उज़्बेक ट्रक्स, अफगान ट्रक्स कैन कम इनटू पाकिस्तान, उनको जाना है या बिन कासम वहाँ तक भी जा सकते हैं, जहाँ भी इनको जाना है। तो ये एक किस्म का फ्री मूवमेंट हो जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रकिंग बढ़ जाएगी और हमारे ट्रकिंग के रेट्स कम हो जाएंगे। एक हमारा एक ज़रूर प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में शिपिंग ट्रकिंग काफ़ी महंगी है, तो जब एक कंपटीशन होगा, बाहर के ट्रक्स यहाँ आ जाएंगे तो ज़्यादा कंपटीशन के से इंशाल्लाह रेट कम हो जाएगा। देखो एक और चीज़ जो हमें एक याद रखना चाहिए कि नॉर्मली एक कंट्री है ना, वो उनके जो रीजनल में रीजनल कंट्रीज उनके जो पड़ोसी उनके हैं उनके साथ ट्रेड करते हैं। यहाँ ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, हमारा ट्रेड बहुत कम है ऐसे, तो इसको ठीक है इंडिया के साथ तो इस वक्त तो मसले है, लेकिन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स को तो कर दें, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। हम इंडिया के साथ ट्रेड के कोई इम्कानात को देख रहे हैं? जब तक हमारे जो पॉलिटिकल साइड पर कोई इम्प्रूवमेंट ना हो मुश्किल लगता है, वो ठीक हो तो फिर ट्रेड यहाँ ट्रेड हो जाएगा। अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमारे पास तो वो ऐसा ऐसा सेक्टर्स कम होते जा रहा, अब कॉटन जो है वो हम उल्टा इम्पोर्ट कर रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा वरी है ना वो है कॉटन की, कि हमारा जो कॉटन प्रोडक्शन और हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन पाकिस्तान में, वो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था, तो वो इस वक्त कमज़ोर हो गया है। इंशाल्लाह मैं तो बहुत उम्मीद रखता हूँ कि अगले साल द नेक्स्ट कॉटन क्रॉप बेहतर होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए ना वो सी पैक के ज़रिए आए थे, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स लगने थे तो वो लग चुके हैं, और इसमें ये डेफिनेटली एक वरी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितना आना चाहिए वो नहीं आ रहा, और उनका मेन वजह तो कोविड है, यहाँ कोई आता नहीं है ना, हमारे लोग वहाँ कहीं जाते हैं, तो कोविड की वजह से मैंने आपको बताया कि कोविड में एक्सपोर्ट का हम लोगों ने इंशाल्लाह ठीक कर दिए, लेकिन ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड वो हमारी कमज़ोरी है। तो अगर कोविड ना होता तो हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट? माय आइडिया वाज एट दैट टाइम दैट वी शुड बी अ $2 to $3 billion a ईयर, कोविड ना होते तो बड़े रिफाइनरीज और प्रोजेक्ट्स आते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, दो चीज़ें हैं ना, एक
Pakistanis, are they investing? And then foreigners. Pakistani to shuru kar diye hai. To ek foreigner, COVID theek ho jaye, foreigners yahan aayenge Pakistan aur wo dekhenge ke yaar yahan to ye sab log invest kar rahe hain. To wo encourage hote hain. Pakistani invest na kare na to foreigner aayega wo kabhi invest nahi karega. वो तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में कर देगा बट एज अ प्राइवेट सेक्टर वो नहीं करेगा. सो द अच्छी बात तो ये है कि द प्राइवेट सेक्टर इज इन्वेस्टिंग. तो देखो इस वक्त कहाँ प्राइवेट सेक्टर में इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं. सबसे पहले तो टेक्सटाइल्स में बेहद इस वक्त परमिशन मिल लोगों ने ले रहे फॉर 11 मोर सीमेंट प्लांट्स. तो सीमेंट प्लांट्स क्या आ रही है. We're getting investments in engineering sector, investments in chemical sector. अच्छा रजाक साहब, ये जो international companies हैं जैसे PayPal और ये अपना Amazon वगैरह, ये मेरे ख्याल में कुछ आना भी चाह रहे हैं लेकिन कोई problems हैं उनके? नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही है. Amazon ने अभी शुरू कर दिया है. अच्छा. 38 companies ने उनके साथ वो हो गया है. अमेज़ॉन का फिक्र ये था कि इसलिए जब अमेज़ॉन के ज़रिए प्रोडक्ट्स माल जाता है, माल बिकता है, तो ज़िम्मेवारी अमेज़ॉन की होती है कि क्वालिटी सही है. उनकी यही फिक्र थी कि पाकिस्तानी का माल ठीक नहीं होगा, वेंडर ठीक नहीं. तो फिर बड़े मुश्किल से इनको लिस्ट दिए और आस्ते 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 कम होते तकरीबन 40 नंबर्स को उन्होंने सेलेक्ट किया. मैं बोला कोई बात नहीं है, बिस्मिल्लाह तो करो. तो वो शुरू हो गया है. तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल तो हो गए हैं. व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल, हमने तो आपकी मिनिस्ट्री की बात कर ली, ओवरऑल आप हुकूमत की परफॉर्मेंस को कहाँ देखते हैं? ओवरऑल मैं समझता हूँ द लॉट ऑफ प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, लेकिन हम लोग उस इसको प्रोजेक्ट नहीं कर सके. और मेरी भी गलती है, मैं भी इतनी अच्छी तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया. द मेन वीकनेस मैं समझता हूँ ए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई दफ़ा ये इन्होंने बताया है कि महंगाई, महंगाई को कंट्रोल करना है. महंगाई इज़ आवर बिगेस्ट इशू और इंशाल्लाह वो भी है. तो ये क्यों अभी तक ये नाकामी क्यों रही है इसको कंट्रोल करने में? नहीं पहले तो शॉर्टेजेस आ गए थे, तो जब शॉर्टेज आते थे तो प्राइसेस बढ़ते हैं. फिर स्मूथ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, जब तक वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा तो ये जर्क्स आएंगे. तो हमेशा ये होता है जिस तरह से अभी हम लोगों ने तकरीबन हर हफ्ते मीटिंग होती है